नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकोरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरे हाथ पे जो दोबाज का आप बच्चा देख रहे हैं, आज संडे मार्केट इंदौर इतवारे हाट गया था और वहां पर हमारे एक परिचित उस्ताद मिले थे। अब वो एक कबूतर बेचने वाले के पास में खड़े हो गए और उनको उसने कबूतर बेचने वाले ने ये बच्चा दिया। बोले, उस्ताद ये हमसे नहीं पलेगा क्योंकि इसकी आँख में भी प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। ये आप इसकी आँख में देखिए, इसकी आँख आ रही है और इसकी चेस्ट बोन देखिए, बिल्कुल ये चेस्ट बोन को अगर आप बारीकी से देखोगे तो ये पूरी निकल चुकी है। दोस्तों ये देखिए, पूरी एकदम बाहर आ चुकी है। तो इसको सिर्फ उसके हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और आज अगर तारीख की बात की जाए, अप्रैल के आज 9 तारीख है, संडे, और मैं भी वहीं था, आज वीडियो बनाने नहीं गया था। बाकी वो उस्ताद बोले कि यार हमसे तो पलेगा नहीं और ये बच्चा मुझे थमा दिया। अब मेरे लिए एक चैलेंज है इसको सुधारना। तो मैंने उनसे बोल दिया था कि अगर मेरे पास कोई सा भी कबूतर हो, कोई सा भी पक्षी हो, अगर वो 90% बीमार है, 10% अगर उसमें उम्मीद है भाई, तो मैं वो 10% में उसको जिंदा कर लूँगा। मगर 90 से ऊपर गया, 91 या 92% तो वो मेरे से नहीं बचेगा। दोस्तों, कबूतर जब बीमार होता है तो तीन प्रकार की बीट करता है। पहले जैसे ही बीमारी पर उसने कदम रखा, पानी वाली बीट करेगा। पानी वाली बीट के भी दो कारण होते हैं, अगर भूखे पेट ज़्यादा पानी पी लेगा तो क्यों पानी वाली करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं है। दूसरी स्टेज जब चालू हो जाती है बीमारी की, तो वो पीली बीट करेगा और ये दूसरी स्टेज को पार कर चुका है। तीसरी स्टेज में पहुँचने पर वो हरी बीट करेगा और हरी बीट करने लग गया तो कबूतर के बचने के 2% चांस होते हैं। तो ये वाला कबूतर का बच्चा, दोबाज का बच्चा है, ये पीली और हरी बीट के बीच में बीट आ गई है इसकी, मतलब हरी करने वाला है और इसका बचने का चांस 7 से 8% है। अब मैं आपको इसकी दवाई करके दिखाऊंगा। मेरे पास इसकी आँख की ड्रॉप है और दवाई जो बेटनोसोल टेबलेट होती है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं अभी जाके ले आऊँगा। तो अभी मैं इसको कौन कौन सी दवाई दूँगा पास से दिखा देता हूँ आपको। ये विमरोल दवाई, ये इसके विटामिन प्रोटीन की पूर्ति करेगी क्योंकि इसकी जो चेस्ट बोन निकल चुकी है, ये दाना कम खा रहा है, अब उसके मुंह से चोंच से उठा नहीं पा रहा है। उसके बाद ये उसकी भरपाई करेगी, मल्टी विटामिन है। और A to Z ये सिरप देखिए, इसकी सिर्फ 3 बूंद देना है, A to Z की 2 बूंद देना है, दोनों साथ में देना है और एक बूंद करीब से देख लीजिए, एक बूंद इसकी ड्रॉप। तो मैंने इसको दाना खिला रखा है, पहले अपन इसकी आँख में ड्रॉप डालेंगे, उसके बाद इसको दवाई पिलाएंगे। तो पहले इसकी आँख में ड्रॉप डाल देते हैं। समीर चोंच पकड़ी, नीचे कर। तो ये देखिए दोस्तों, इसकी आँख का क्या हाल है। और ये एक बूंद ड्रॉप डाल दी है अपन ने, अब इसको अपन दवाई दे देते हैं। तो दवाई निकालने का जो बूंद गिनती की होनी चाहिए, नहीं तो आपका कबूतर मर सकता है या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हम इससे ड्रॉप की मदद से, अब इस कटोरी के अंदर आप देख ले पानी ज़्यादा है, अब इसमें हमें 2 कबूतरों को पिलाना है। तो दोस्तों 6 बूंद दवाई डालनी पड़ेगी। तो ये गिनती की 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बूंद डाल ली, 7 बूंद डल गई है, कोई दिक्कत नहीं, 1-8 बूंद चलेगी। और ये थोड़ी गाढ़ी दवाई है दोस्तों, तो इसको ड्रॉप की सहायता से नहीं डाल के मैं ऐसे ही डाल दूंगा, 4 बूंद। ये 4 बूंद हमने A to Z डाल दिए। अब दोस्तों इसको मिक्स करने के लिए
छोटी सिरिंज की सहायता से अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये हम लोगों ने सिरिंज में भर ली और अब इन दोनों कबूतरों को आधी आधी पिलाई जाएगी। तो पहले इसे पिला देते हैं क्योंकि दोनों सेम बीमारी के शिकार हैं। ये हमने पिला दिए, अब इसको हम छोड़ देते हैं। समीर दूसरा लाओ। अब दोस्तों इस कबूतर को तो आप पहचानते ही होंगे, ये जेंगो है, मेरे हाथ पे ट्रेन किया हुआ कबूतर जो कि मैंने समीर को दिया था। और इसकी आँख गौर से देखिए, ये पता नहीं क्या भी हुआ था, मेरी शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है जो इसकी आँख को मैंने साफ किया था और इसमें से जो भी निकला था तकलीफ मलमा जो भी था पस था या जो भी। अब इसकी आँख में ड्रॉप डाल देते हैं। पकड़ इसकी आँख खोलना, अभी रुक पकड़ भाई, इसकी आँख का कुछ कह नहीं सकता। इसकी आँख का भाई कुछ कह नहीं सकता कि ये आँख ठीक होगी कि नहीं, क्योंकि उसकी आँख की पुतली बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। ये लड़ाई झगड़े का शिकार है भाई। और इसको दवाई पिला दी जाती है, अब देखते हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका चांस कम है। पकड़ो इसको, चलो दूर चले जाओ। अब जब भी भाई किसी बीमार कबूतर में कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करें, सिरिंज हो, ड्रॉप हो या ये कटोरी हो, इसमें जो भी दवाई बचे या तो फेंक दें, या उसको जिनको बीमारी है जितनी लग रही है उतनी ही मिलाएं। अब इन चीज़ों को हम लोगों ने यूज़ किया है तो इनको अच्छे कबूतरों के काम में न ले, क्योंकि इनका जो वायरस है जो बीमारी है उनमें भी लग जाएगी। तो इन्हें अच्छे से साफ कर लें साफ पानी से और उसके बाद में गर्म पानी से धो लें। अभी अपने पास जो अवेलेबल उससे तुरंत धो लें और उसके बाद में आप गर्म पानी से इनको धो लें। और दोस्तों किसी भी कबूतर संबंधी या किसी पक्षी संबंधी किसी भी बीमारी के लिए हमें कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि हमारी जो आने वाली अगली वीडियो है जैसे ही डले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हमारे इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे पक्षियों से रिलेटिव हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा, हर बीमारी का समाधान हमारे चैनल पर मिलेगा। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।